नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल गायत्रीज कुकिंग क्लब में। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। देखिए किस तरह से ये पराठे फूल रहे हैं, तो आप भी इसी तरह से आलू के पराठे बना सकते हैं बिना फटे और बिना स्टफिंग बाहर आए। बस उसके लिए लगेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप भी ऐसे बढ़िया पराठे बना सकेंगे। तो देखिए कितने करारे पराठे बन रहे हैं, उसके लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो टिप्स और ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी उन्हें भी ज़रूर अपनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने ये बढ़िया से आलू के पराठे। सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं 4 से 5 आलू कद्दूकस किए हुए, ये बॉइल्ड आलू है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम प्याज कटा हुआ, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ और थोड़ा सा हरा धनिया। इस वक्त मेरे पास इतना ही हरा धनिया है। और इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा साबित जीरा, 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर और 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके बाद इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। टिप नंबर 1, इसे कम से कम 10 मिनट फ्रिज में रख दें। यहाँ हमने गेहूं का आटा गूंदकर इसे रेस्ट करने रख दिया था और अब तेल लगाकर हमने इसे एक बाउल में रख लिया है। ये ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, और इसे भी थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। आटा और फिलिंग दोनों हमने फ्रिज से निकाल ली है, अब एक पेड़ा बना लेंगे। दोनों चीज़ों को फ्रिज में रखने से होता ये है कि इसका मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है। इस तरह से पेड़े के बीच में थोड़ा तेल लगाएंगे और साइडों से इसे फैलाएंगे। बीच में हमने पेड़े को मोटा रखना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे आलू की फिलिंग। तो देखिए आप देख सकते हैं आलू जो है काफ़ी हद तक ड्राई है, इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर कंटेंट है वो फ्रिज में रखने की वजह से सूख जाता है, जिसके वजह से हमारा जो पराठे हैं वो फटते नहीं हैं। अब इस तरह से दबाते हुए हम पूरे पेड़े को सील कर लेंगे अच्छी तरह से और इसका एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। और आटा भी हल्का सा हार्ड हो जाता है फ्रिज में रखने से, तो ये पेड़ा जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाता है और फिलिंग अंदर सेट हो जाती है। अब हम यहाँ बेलने से पहले इसे अच्छी तरह से आटे से एक ही बार दबाते हुए डस्ट कर लेंगे। ये भी एक टिप है कि हमें बार बार इसे सूखा आटा लगाने के लिए उठाना नहीं है। इससे होता यह है कि फिलिंग जो है वो भी अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाती है, अंदर फैल जाती है, और एक ही बार सूखा आटा अच्छे से लगाने से हमें पराठा बेलने में भी आसानी होती है। ये देखिए इसे साइडों से बेलते हुए आप जितना चाहें उतना बड़ा करें, और अगर आप गौर करें तो ये फिलिंग भी इवनली सब तरह अंदर स्प्रेड हो रही है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमने इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखा था और इसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो गया है, तो हम इजीली इसे बना सकते हैं। अब हम इसे सेक लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इस पर हम इसे सेकने के लिए डाल देंगे और कुछ सेकेंड्स तक हम इसे इसी तरह से रहने देंगे, और कुछ सेकेंड्स के बाद ही हमें इसे पलटना है। इसे ज़्यादा उलटना पलटना पहले नहीं है, एक तरफ से कुछ सेकेंड होने के बाद हम इसे पलटेंगे और दूसरी तरफ पकाएंगे। अब जब हम इसे दूसरी तरफ पकाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि दूसरी तरफ ये थोड़ा ज़्यादा देर तक पके, तुरंत इसे हमने पलटना नहीं है। अब ये दूसरी तरफ से देखिए ज़्यादा पक चुका है। अब यहाँ आप घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे इस तरह से चारों तरफ से तेल लगा के हम इसे एक बार पलटेंगे, देखिए इस तरह से, और इस वक्त इधर भी हमें तेल लगा लेना है, अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसे फिर से पलट के हम पकाएंगे। देखिए क्या प्यारा कलर आया है, एकदम करारा पराठा तैयार है और बिल्कुल बलून की तरह गुब्बारे की तरह ये फूल रहा है। यही टिप्स है जो हमें ध्यान में रखनी है, इसे चारों तरफ से हमें साइडों से दबाते हुए पकाना है। देखिए
कितना सुनहरा और करारा लग रहा है। और गैस फ्लेम इस वक्त हमें मीडियम ही रखना है। तो बस इसी तरह से आप साइडों से दबाते हुए इसे करारा होने तक पका लें और इसे हम रख लेंगे साइड में और दूसरा पराठा बना लेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा पेड़ा भी हमने उसी तरह से रेडी कर लिया है, तैयार कर लिया है। अब इसमें फिलिंग डालेंगे और अच्छी तरह से फिलिंग को दबाते हुए हम इस पेड़े को भर लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फिलिंग भरी है हमने। अब उसी तरह से हम इसे पैक कर लेंगे। पूरी तरह से इसे पैक करना है ताकि ये कहीं से भी खुला ना रहे। और इस तरह से एक पेड़ा तैयार करके हम इसे सूखे आटे के साथ अब डस्ट करेंगे और जितना हो सके हम इसे सूखे आटे में ही फैला लेंगे। देखिए आधे से ज़्यादा तो हम इसे सूखे आटे में ही फैला लेते हैं, इससे फिलिंग जो है अच्छी तरह से चारों ओर फैल जाती है। अब हल्के हाथों के प्रेशर से हम इसे बेल लेंगे। देखिए आप ध्यान से देखें तो कहीं से भी पराठा फट नहीं रहा है और अच्छी तरह से हम इसे हैंडल कर पा रहे हैं और अच्छी तरह से हम इसे बेल पा रहे हैं। तो ये पराठा भी बेल के हमने अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। अब इसे भी हम सेक लेंगे उसी तरह से। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी हम उसी तरह से इस पराठे को पका रहे हैं। पहले एक तरफ सेक लिया हल्का सा, पलट के तेल लगा लिया, अब इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी तेल लगा लेंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। देखिए कितने सॉफ्ट भी लग रहे हैं पराठे। अब इसे फिर से पलट लेंगे और चारों तरफ दबाते हुए पकाना है इसे। देखिए है ना बिल्कुल गुब्बारों की तरह फूल रहे हमारे पराठे और अगर आप ध्यान दें तो कहीं से भी फिलिंग फटकर बाहर नहीं निकल रही है। बस इसी तरह से टिप्स और ट्रिक्स से अगर हम बनाएं तो हमारे आलू के पराठे नहीं फटते। चारों तरफ इसे दबाते हुए अच्छी तरह से हम करारा होने तक पका लेंगे। देखिए कितना प्यारा रंग आ रहा है। और इसी तरह से हम सब तैयार कर लेते हैं और इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों ये हमारे बढ़िया से आलू के पराठे बिल्कुल रेडी हैं। और देखा आपने कितने कम समय में और कुछ टिप्स के साथ ये इतने फूले फूले बढ़िया आलू के पराठे बन जाते हैं। मैंने इसे सर्व किया है अचार के साथ, आम के अचार के साथ। आप इसे दही अचार, रायता, चाय किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको इसको थोड़ा ओपन करके दिखाती हूँ, इसमें फिलिंग जो है चारों तरफ फैल गई है। तो बस आप इसे ज़रूर बनाइए जल्दी से और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।